लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें की कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को रोस्टर क्लीयरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लीयरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से होकर के ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें।